दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत। बता दें सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। अदालत ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना के एक मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। दोस्तों इस मामले में कोर्ट ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि आजम खान के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। आजम पिछले काफी समय से जेल में बंद हैं। एक मामले में उन्हें जमानत मिलना बाकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत भी दे दी है। दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का डंडा, अब अवैध पार्किंग स्टैंड पर चलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान 48 घंटे में प्रदेश भर से सभी अवैध पार्किंग स्टैंड को हटाने का आदेश दे दिया है। दोस्तों साथ ही अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं हटाने वाले संचालक पर गैंगस्टर चलाने और संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि बिना पार्किंग के चलने वाले हाईवे पर ढाबे भी बंद करवाने होंगे। उन्होंने पटरी दुकानों के लिए जगह निर्धारित करने का आदेश दे दिया है ताकि सड़कों पर दुकानें नहीं लगेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ू न बनाया जाए, बल्कि प्रदेश में जहां कहीं भी मानक विपरीत स्पीड ब्रेकर बने हैं उन्हें हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों वे गंभीर गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं, केवल टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा तो उसका पूरा गैंग अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। दोस्तों सख्ती भरे लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे से अपर्याप्त पार्किंग वाले अवैध ढाबों को हटाया जाए। हाईवे या एक्सप्रेसवे, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास या किसी अन्य विभाग से जुड़ी सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय इन दोनों खबरों को जानकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।